हम सभी आजकल मोबाइल, इंटरनेट, न्यूज़पेपर या कंप्यूटर का बहुत यूज करते हैं। ये जो भी मैंने चार नाम लिए, ये एक्चुअली में क्या है, ये कम्युनिकेशन के साधन है हमारे लिए। ये हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन का जो जरूरत है, जो नेसेसिटी है, वो बहुत पहले से रहा है। पहले भी लोग कबूतर से जो है वो लेटर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। आज जो है सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है ना। टेलीविजन से जो है मैसेज जो है न्यूज से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ना, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है अब आ गए हैं। तो आज हम लोग उसी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है ना। आप देखेंगे पहला जो ब्लॉक है इसमें दिखाया गया है इन्फॉर्मेशन सोर्स, है ना। एक जगह से इन्फॉर्मेशन जेनरेट होता है या मैसेज जेनरेट होता है, और फिर उस मैसेज को हमें यूजर तक पहुंचाना होता है। जैसे बात करें टेलीफोन की, टेलीफोन में एक आदमी जो है बोलता है और एक दूसरा आदमी जो है सुनता है। तो जो आदमी बोल रहा है वो एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो गया, और जो आदमी सुन रहा है वो हो गया यूजर, यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। और बीच में जो है ये सारा जो सिस्टम दिख रहा है ये एक्चुअली में कम्युनिकेशन सिस्टम है ना। ये है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक ट्रांसमीटर दिखाया गया है। ट्रांसमीटर का काम जो है वो ये होता है कि जो भी फिजिकल मैसेज दिया जा रहा है उस मैसेज को ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी फिजिकल मैसेज जैसे हो सकता है कि साउंड है, मैं फोन पर बात करना चाहता हूं, तो साउंड जो है वो फिजिकल फॉर्म है, प्रेशर के फॉर्म में होता है, डिस्प्लेसमेंट वेव के फॉर्म में होता है। उसको ट्रांसमीटर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको लार्ज डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है। अगर मैं यहां पर बैठ करके बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जो है ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस तक मेरी आवाज को भेजना हो तो फिजिकल फॉर्म में नहीं भेजा जा सकता है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब दूर तक भेज सकते हैं। तो ट्रांसमीटर का काम ही यही होता है कि जो भी फिजिकल मैसेज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो सिग्नल है वो फिर चैनल से होकर के आगे रिसीवर तक जाता है। अब यहां पर चैनल क्या है, जैसे हम बात करें टेलीफोन की, तो टेलीफोन में जो वायर होता है वो चैनल का काम कर रहा है। वायर के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा उस सिग्नल को वायर के थ्रू भेजा जाता है रिसीवर तक, है ना। अगर ब्रॉडकास्ट किया जाता है जैसे टेलीविजन की बात करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जाते हैं, यानी कि जो स्पेस है अपना वही चैनल का काम करता है ना। तो ये हो गया चैनल। अब चैनल से होते हुए रिसीवर तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अपना जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। फिर रिसीवर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस फिजिकल मैसेज में कन्वर्ट करता है। यानी वापस उसको, अगर हम बात करें टेलीफोन वाले की, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस वो साउंड में कन्वर्ट करेगा, फिर उस साउंड को ये यूजर जो है ये सुनेगा, है ना। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। अब देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें कई तरह के नॉइज हो सकते हैं। नॉइज का मतलब ये हुआ कि कोई डिस्टरबेंस है, सिग्नल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। एक तो नॉइज हम लोग जानते हैं, जैसे दो आदमी बातें कर रहे हैं, तीसरा आदमी इधर चिल्लाने लगा है, तो वो हमारे मैसेज ट्रांसफर में डिस्टर्ब कर रहा है ना, वो भी एक नॉइज है, वो बाहर से आ रहा है। और कई बार जो है सिस्टम के अंदर ही नॉइज होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि वायर से टेलीफोन पर बात हो रही है लेकिन आवाज साफ नहीं आ रहा है, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है ना, तो वो क्या है कि वो डिस्टर्बेंस है, एक तरह से वो एक नॉइज है, ठीक। इसके बाद ये जो बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि जैसे टेलीफोन वाला हो गया, तो टेलीफोन वाला जो कम्युनिकेशन सिस्टम है
वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, मतलब एक जो है मैसेज भेजने वाला है और एक जो है मैसेज सुनने वाला है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट वाला जो है जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इसमें इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स होता है एक ही होता है, एक जैसे एक रेडियो स्टेशन है और वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है और हजारों जो है यूजर होते हैं इन्फॉर्मेशन के, है ना, ये उसमें हजारों होते हैं और इन्फॉर्मेशन सोर्स एक होता है ना, तो ये हो गया ब्रॉडकास्ट सिस्टम। अब जो है इस कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें कई सारे टर्म्स को समझना पड़ेगा, कई सारे वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, जैसे ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, तो एक एक करके हम लोग इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर जैसा ही एक और डिवाइस होता है जिसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर दोनों जो है एक्चुअली में काम एक ही करते हैं, थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क को भी हम लोग समझेंगे। तो इनका काम है, दिस डिवाइसेस कन्वर्ट द फिजिकल मैसेज, फिजिकल मैसेज जैसे मैंने बताया कि साउंड हो, इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब हो गया यहां से ट्रांसमिट तो करना ही है, साथ में यहां पर वापस हमें जो है ये जैसे नॉइज आ रहा है इन सबको, नॉइज को हटा करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म से वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है, तो उस सब में जो है वो आसानी हो, इसलिए कह सकते हैं कि सुटेबल होना चाहिए, है ना। तो ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर का काम जो है वो एक ही है, ये फिजिकल मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि जो फिजिकल मैसेज है उसको वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जबकि ट्रांसमीटर जो है ये करंट सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द मैसेज इन वोल्टेज सिग्नल व्हाइल ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स द मैसेज इन करंट सिग्नल, है ना। अब जो है जैसे हमने बात किया यहां पर सिग्नल की, है ना, तो सिग्नल क्या हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि जो फिजिकल मैसेज होता है जब उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग सिग्नल कहते हैं, है ना। व्हेन फिजिकल मैसेज इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इट इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल जो है दो टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा था, एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक जो है वो डिजिटल सिग्नल होता है। तो जैसे अगर बात करें एनालॉग सिग्नल की, तो इसमें वोल्टेज और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कंटिन्यूअस ग्राफ आता है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो वोल्टेज है वोल्टेज की सारी वैल्यू जिसकी इसमें आती है ना। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल की,
डिजिटल सिग्नल। तो इसमें सिर्फ वोल्टेज के दो वैल्यूज आते हैं, जैसे ये हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर है ना ये जीरो, मान लेते हैं ये प्लस फाइव वोल्ट है, फिर यहां से यहां ये जीरो है, फिर फाइव है, फिर जीरो होगा, तो ये फाइव जीरो रिपीट होता रहता है। तो ये एक्चुअली में कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है बीच बीच में, है ना, जबकि इस ये जो है कंटिन्यूअस ग्राफ है। वोल्टेज के सारे वैल्यू जो हैं वो मतलब कि एक मैक्सिमम वैल्यू का मैं कह दूं 5 वोल्ट और 0, तो 0 से 5 के बीच में सारे वोल्टेज के वैल्यू इसमें आते हैं। अगर ये माइनस 5 वोल्ट भी है तो माइनस 5 वोल्ट से प्लस 5 वोल्ट के बीच में जितने भी वोल्टेज के वैल्यू हो सकते हैं सारे वैल्यूज बारी बारी से आते रहते हैं उसमें, जबकि डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो वैल्यूज होते हैं, 0 और 5 हो गए जैसे, है ना। अब जैसे मैंने बात किया कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर नॉइज आ सकता है, तो नॉइज क्या है, कह सकते हैं इट इज अनवांटेड सिग्नल्स विच डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ओरिजिनल मैसेज। ठीक है, अब रिसीवर आ गया, रिसीवर के बारे में बताया कि ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है और उसको फिजिकल मैसेज में वापस कन्वर्ट करता है। इट रिसीव्स द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, मतलब कि सिग्नल फ्रॉम चैनल एंड कन्वर्ट्स इट इंटू फिजिकल मैसेज, है ना, फिजिकल मैसेज में कन्वर्ट करेगा तब जो है यूजर इसको सुन सकता है। एंड पासेस इट टू यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर को पास कर देता है। इसके बाद एक टर्म यूज किया जाता है एटेन्युएशन। इसका मतलब ये होता है जैसे कि सिग्नल है, जैसे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट में एक जगह से जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो एक पॉइंट सोर्स जैसा काम करता है। हमने पढ़ा है वेव में कि अगर कोई पॉइंट सोर्स हो तो जैसे जैसे दूर जाता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है, यानी स्ट्रेंथ जो है वो घटता रहता है। तो एटेन्युएशन का मतलब यही है कि जो सिग्नल है, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे कम होता है, उसी को एटेन्युएशन कहते हैं। इट इज लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। जो लॉस होता है उसको एटेन्युएशन कहा जाता है। फिर आता है एम्पलीफिकेशन। अगर सिग्नल के स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा है और हमें दूर तक और भेजना है तो क्या करेंगे, वापस उस सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करेंगे। सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा एम्पलीफायर के बारे में, तो एम्पलीफायर जो है वो हेल्प करता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने में, है ना। तो एम्पलीफिकेशन का काम है इट इज प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ by using electronic device called amplifier।
तो ये कुछ टर्म्स हो गए, कुछ और टर्म्स हम लोग अभी और समझेंगे। एक टर्म होता है रेंज, तो रेंज का मतलब हुआ कि वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जहां तक किसी मैसेज को ट्रांसमिट किया जा सकता है ना। तो रेंज को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अप टू विच अ मैसेज और सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, जहां तक भेजा जा सकता। फिर एक टर्म आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है जैसे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे रेडियो होता है, तो रेडियो में एम होता है, एफएम होता है ना। तो एफएम के लिए अलग फ्रिक्वेंसीज होती है, एम के लिए अलग फ्रिक्वेंसीज होती है। तो बैंडविड्थ का मतलब हुआ कि इट इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट्स, है ना। जैसे देखेंगे कि जो मैसेज भेजना हो तो सिंपल मैसेज भेजने के लिए फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग होता है, अगर साउंड भेजना हो तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग होता है, अगर वीडियो भेजना हो या पिक्चर भेजना हो तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग अलग होता है ना। तो टेलीविजन से जैसे वीडियो भेजते हैं, रेडियो से साउंड भेजते हैं, कंप्यूटर से मैसेज भेजे जाते हैं, है ना। तो इन तीनों के लिए जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, ये तीन डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, इनके लिए फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर ये काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ, है ना। और उसके बाद आता है एक टर्म आता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम में, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, है ना। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, इस साउंड को बहुत ज्यादा दूर तक जो भेजना है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आसपास में लोग जो बातें कर रहे होंगे वो आकर के मिक्स हो जाता हो सकता है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी के आसपास ही है, बराबर है, तो मिक्सअप हो सकता है, नॉइज जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसको वहां पर जिसको समझना होगा, जिसको मैसेज को पढ़ना होगा, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो करा क्या जाता है कि, या एक और कारण हो सकता है कि ये जो लो फ्रिक्वेंसी मैसेज है इसको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते क्योंकि उसका स्ट्रेंथ भी वीक होता है, है ना। तो इस कारण से क्या किया जाता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज है उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी के वेव के साथ में सुपरइम्पोज करा दिया जाता है, और उसके साथ में वो चलते हुए चले जाता है रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है, वापस उस हाई फ्रीक्वेंसी वेव से इस लो फ्रीक्वेंसी का जो मैसेज था उसको एक्सट्रैक्ट करता है और फिर यूजर को देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक आदमी जो है वो घोड़े पर बैठ गया है, एक लेटर लेता है, है ना, और घोड़े पर बैठ करके वो लेटर ले जाता है, फिर घोड़े से उतर करके वापस लेटर मैसेज को मैसेज यूजर को दे देता है। तो घोड़ा जो है वो काम कर रहा है किस चीज का, वो यहां से वहां तक ले जाने का, है ना। मतलब कि पैदल जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए घोड़े से भेज रहे हैं। वो घोड़ा क्या है यहां पर, उसको कहा जाता है कैरियर वेव। कैरियर वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है, है ना। तो यहां पर जो भी मैसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो लो फ्रीक्वेंसी का है, उस वेव को, जो लो फ्रीक्वेंसी का वेव है या मैसेज है उसको एक कैरियर वेव के साथ में सुपरइम्पोज करा दिया जाता है, यानी कह सकते हैं कि उसके ऊपर बैठा दिया जाता है। ये लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज था, वो हाई फ्रीक्वेंसी का वेव था, दोनों को एक साथ में कर दिया गया, अब वो हाई फ्रीक्वेंसी का बन गया ये मैसेज, और हाई फ्रीक्वेंसी का मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा वहां तक रिसीवर के पास, और वहां से वापस जो है उस लो फ्रीक्वेंसी का जो मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और एक्सट्रैक्ट करके यूजर को दे दिया जाएगा। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो कैरियर वेव है उसका काम है केवल जो है इसको, मतलब कि मैसेज को यहां से रिसीवर तक ले जाने का,
है ना। और हाई फ्रीक्वेंसी का ले जाने से एक और फायदा होता है कि नॉइज जो है नहीं आ पाता, क्योंकि नॉइज जो है लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, वो मिक्सअप नहीं हो पाते। और हाई फ्रीक्वेंसी का होने से एक और फायदा है, फायदा ये है कि जो स्ट्रेंथ है वो काफी बनी रहती है। तो वो जो है किस कारण से ये मॉड्यूलेशन किया जाता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि जो लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज है उसको एक कैरियर वेव पर या उसके साथ में सुप्रीम पोज करा दिया जाता है, जिससे कि उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है ना। सिंस लो फ्रीक्वेंसी मैसेजेस cannot be transmitted to large distances, so low frequency messages or signals are superimposed with a high frequency carrier wave. The process, और कह सकते हैं कि this process is called modulation. ठीक, तो ये हो गया modulation। उसके बाद एक टर्म आता है demodulation। demodulation जस्ट इसका जो है इनवर्स हो गया, उल्टा काम हो गया, उल्टा प्रोसेस हो गया। यहां से कैरियर वेव पर हमने भेजा मैसेज को, और जब रिसीवर के पास जाएगा तो वहां पर उस कैरियर वेव से ये जो मैसेज सिग्नल है उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। इट इज प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल फ्रॉम द कैरियर वेव। इसके बाद एक टर्म यूज किया जाता है रिपीटर। बहुत सारे होंगे, जनरली एक से ज्यादा होते हैं, तो उनको रिपीटर्स कहा जाता है। रिपीटर्स का काम है, जैसे मैंने बताया यहां पर, कि जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो दूर जाने पर घटता रहता है ना। तो जो रिपीटर है वो क्या काम करता है, वो जो मैसेज है, जो सिग्नल है, उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसके स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करने के बाद फिर से उसको ट्रांसमिट कर देता है आगे, है ना। तो रिपीटर का काम क्या है, ऐसे कई सारे रिपीटर्स लगाए जा सकते हैं बीच में। जैसे यहां से मैसेज चला है ना, तो यहां पर आकर उसका सिग्नल जो है वीक हो गया, तो यहां पर एक रिपीटर लगाएंगे, और ये क्या करेगा, उसको रिसीव करके उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, यानी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा, तो ये और आगे जाने लायक बन जाएगा। आगे जाकर के एक और रिपीटर लगा देंगे, ये क्या करेगा, फिर इस सिग्नल को जो है वो रिसीव करेगा, फिर उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर आगे भेजेगा। इस तरह से कई सारे बीच में रिपीटर्स लगा करके मैसेज को काफी दूर तक पहुंचाया जा सकता है, है ना। तो एक्चुअली में जो रिपीटर होता है ये, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, है ना। इसका काम क्या है, इट रिसीव्स द वीक सिग्नल
amplifies it and transmits further. ये इसका काम है. अगर ऐसे एक फिगर से समझें, जैसे मान लिया कि ये अर्थ है और यहां से कहीं सोर्स था, इस सोर्स को यहां पर किसी यूजर के पास पहुंचाना है ना, तो ये बहुत दूर है. ये अर्थ मैंने दिखाया है, बहुत दूर है. तो क्या करेंगे, जैसे सिग्नल जाकर यहां वीक हो गया तो यहां पर एक ट्रांसमीटर लगा दिया जाएगा, ठीक है. ये रिसीव करेगा और फिर ये आगे भेजेगा. यहां पर एक और ट्रांसमीटर लगा देंगे, जैसे टावर्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये फिर से यहां पर रिसीव करेगा, फिर से ये आगे भेजेगा. यहां पर एक और रिपीटर लगा दिया है ना, तो ये क्या करेगा, फिर यहां से एम्पलीफाई करके आगे भेज देगा, ये फाइनली जो है यहां पर यूजर के पास पहुंच जाएगा. तो रिपीटर्स का काम होता है, जैसे टावर्स होते हैं, इनका काम होता है रिसीव करना, एम्पलीफाई करना, फिर आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देना. तो इस तरह से जो है लार्ज डिस्टेंस तक किसी मैसेज को भेजा जा सकता है.